हम सभी 400 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। आप लोग एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान आपके साथ आते हैं? अरे कौन आ रहा है, उनका हम बात नहीं करेंगे। पहले इनका विपक्षी दल का एक बैठक होने वाला था जो कि कैंसिल हो गया। अब फिर से सुने हैं कि 22 या 23 तारीख को है, 23 को है, वो भी कैंसिल होगा। ये विपक्षी एकता में जुड़े हुए हैं, पूरे देश में निकले हैं, इनका खुद का प्रदेश इनसे संभल नहीं रहा है। क्यों नहीं उनके पार्टी से कोई बोल रहा है? भागलपुर में जो घटना घटी उस पर काहे नहीं कोई बोल रहा है? कुछ बोले है तेजस्वी यादव जी, काहे नहीं कुछ बोलते हैं? ये पहला बार पुल गिरा उसका, उसके ठीक एक महीने पहले एक उसका पाया गिरा था। हाँ तो वो उस वक्त उसको ब्लैकलिस्ट काहे नहीं किया गया? जितने भी पदाधिकारी गण हैं, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, वो सब आए हैं और आज इस बारे में चर्चा हो रही है किस तरीके से बिहार में जो ये विफल सरकार चल रही है और ये जो हर क्षेत्र में सरकार विफल रही है। हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने जिस तरीके से महागठबंधन को बिखरते हुए देखा है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराया गया है, जिस तरीके से अभी हम लोग पिछले बार हम लोग बात कर रहे थे जो भागलपुर का पुल जिस तरीके से गिर गया और एक जो भ्रष्टाचार सामने आया है, उस सब ये सब मुद्दा को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। और पार्टी को किस तरीके से चुनावी वर्ष में हम लोग मजबूत बनाएं, अपने अपने प्रत्याशियों को जिताएं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के आदेशानुसार हम सभी 400 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथी और हमारे गठबंधन के साथी जहाँ जहाँ से चुनाव लड़ेंगे उनकी सफल विजय उनको प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आज का जो बैठक हम लोग अभी कर रहे हैं, इसमें यही सब मुद्दों पे हम लोग आज विचार कर रहे हैं। सभी अपने पदाधिकारियों, सभी अपने प्रकोष्ठों से के अध्यक्षों से हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, उनके सलाह मशवरा ले रहे हैं और किस तरीके से आगे का रूपरेखा तैयार किया जाए, इस पर हम लोग आज बात करने के लिए आज हम लोगों ने ये बैठक बुलाया है। आज भी है और कल भी है। कल हम लोगों का प्रभारी और जिलाध्यक्ष के साथ बैठक है और आज हमारा जिला ये प्रदेश पदाधिकारी और प्रकोष्ठ के सभी अध्यक्षों के साथ। आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन हो? महागठबंधन का डाउनफॉल है? महागठबंधन तो ठग गठबंधन है, किस विचारधारा पे ये है? देखिए पहले भी हमने कहा, अभी भी हम कह रहे हैं, पहले इनका विपक्षी दल का एक बैठक होने वाला था जो कि कैंसिल हो गया। अब फिर से सुने हैं कि 22 या 23 तारीख को है, 23 को है, वो भी कैंसिल होगा। ये विपक्षी एकता में जुड़े हुए हैं, पूरे देश में निकले हैं, इनका खुद का प्रदेश इनसे संभल नहीं रहा है। नीतीश जी कहा कि मांझी जी सारी बात लीक कर रहा था। अच्छा तो कौन सा बात लीक कर रहे थे? अगर कोई अच्छा बात कर रहे होंगे तो लीक करने में क्या दिक्कत है? यानी तो उन्होंने ये कहा कि मांझी जी अगर 23 तारीख की मीटिंग में आते विपक्षी दल के तो क्या बोलेंगे है? तो क्या बोलेंगे? देखिए उनसे कोई खुश नहीं है, उनके विचारधारा से कोई खुश नहीं है। जिस तरीके से बिहार में जंगल राज पार्ट 2 और दलित विरोधी सरकार चल रही है, इससे कोई खुश नहीं है। जिसका दिल साफ होगा, जो जनता के हित में काम करना चाहेगा, उसे उस गठबंधन में दर्द होगा। और जो सत्ता के लालची हैं, वो उस गठबंधन में जाएंगे, जिसका परिणाम हम लोग आज बिहार में देख रहे हैं। जिस तरीके से दलित विरोधी सरकार चल रही है, यहाँ पे गरीबों की हत्या हो रही है और वो उनके कान में जू नहीं रेंगता है। यहाँ भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। क्या हुआ भागलपुर के पुल का? वो भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? इस पर क्या जाँच हो रही है? इस पर क्या सच्चाई है? क्यों इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है? क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ बिहार में, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और ये हितैषी बनते हैं गरीबों की? किसका जनता का पैसा था? किसका पैसा था जो कि पूरा डूब गया? क्यों नहीं आप इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? तो देखिए ये भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है बिहार में, और जिसको थोड़ी सी बेईमानदारी है
थोड़ी सी भी मानवता है इस गठबंधन महागठबंधन में कोई नहीं टिकेगा। कौन सा नया मैच, नया समीकरण, इनका खुद का तो समय घर तो टिक नहीं रहा है। अरे कौन आ रहा है उनका हम बात नहीं करेंगे। ये जो है, ये जो विपक्षी एकता में जो निकले पड़े हैं, इनका खुद का बिहार तो समझ नहीं रहा है। कौन है इनके साथ बताइए, कौन है? और देखिए, एक अनार सौ बीमार वाली बात है, ये अक्सर हम ये बात बोलते हैं, ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, इनका मुद्दा क्या है, ये इनका इनकी विचारधारा क्या है, ये किस विचारधारा पर ये गठबंधन कर रहे हैं जरा बता दें। बिहार में भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है, दलित विरोधी सरकार चल रही है, क्या इसके सपोर्ट में तमाम जितनी सरकार, राज्य सरकार है, जितनी तमाम पार्टियां हैं, क्या ये इसके इसके सपोर्ट में आ रही है? क्या दूसरे दल क्या इसको सपोर्ट करती है? क्या दूसरे दल जिस तरीके से भागलपुर में भ्रष्टाचार हुआ, क्या दूसरा दल इसको समर्थन देता है? इसका जवाब उनको देना चाहिए, विपक्षी दलों को देना चाहिए। राजद विधायक रीतलाल यादव ने कहा है कि रामचरितमानस जो था, अरे आप काम पे बात करिए, आप लोगों का उत्थान करिए, विकास का बात करिए, मुद्दा ऐसा रखिए आप। क्यों नहीं उनके पार्टी से कोई बोल रहा है भागलपुर में जो घटना घटी उस पर काहे नहीं कोई बोल रहा है? कुछ बोले है तेजस्वी यादव जी, काहे नहीं कुछ बोलते हैं? तेजस्वी यादव जी बोले कि जो पैसा, जो 1700 करोड़ की बात उठ रही है, वो कंपनी पे कंपनी से वसूला जाएगा, नहीं उनको ब्लैकलिस्टेड करने की बात आएगी, वो भी करेंगे। हुआ काहे नहीं? सिंगला काम कर रहा है, हुआ काहे नहीं? ये पहला बार पुल गिरा उसका, उसके ठीक एक महीने पहले एक उसका पाया गिरा था, हाँ, तो वो उस वक्त उसको ब्लैकलिस्ट कहने किया गया। और ये कहना करेंगे का क्या मतलब होता है? जब आपके सामने सामने ये चीज हुआ है तो करेंगे। देखिए, ये भ्रष्टाचार, इतना बड़ा घोटाला सामने आया, कितने साल, आप ही बताइए, पत्रकार साथी आप रहे हैं, कितने साल से वो पुल का निर्माण हो रहा था? तकरीबन 8 साल। 8 साल में कोई पुल बनता है और उस पर 2 बार वो पुल ढह जाए? जब पहली बार ढहा था तो अभी आपको उस पर कार्रवाई करना चाहिए था, क्यों नहीं किया आपने? ये भ्रष्टाचारी सरकार चल रहा है। हम तो ये विपक्ष के जितने भी दल हैं उनसे हम ये सवाल करना चाहते हैं, क्या इस भ्रष्टाचारी सरकार जो बिहार में चल रही है, क्या इसके समर्थन में आप हैं? क्या इसके विचारधारा के साथ हैं? ये जो दलित विरोधी सरकार जो बिहार में चल रही है, क्या आप इसके सपोर्ट में हैं? जितने विपक्षी दल हैं इसका जवाब दें। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।